लॉकडाउन में डीलर के खिलाफ कई लोग खड़े हो गए हैं। आरोप यही है कि डीलर राशन नहीं देता है। यह अलग बात है कि डीलर अपनी बात में कहते हैं कि हमें जो अनाज मिलता है हम दे देते हैं, लेकिन यह हम मामला काफ़ी उग्र होता जा रहा है। एक डीलर के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि कुछ महीने से गरीब शोषित लोगों को राशन नहीं दिया गया है। इसी को लेकर जन अधिकार पार्टी सदर प्रखंड के अध्यक्ष संतोष कुमार धरने पर बैठ गए हैं। संतोष कुमार अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करूंगा। जरा उनकी बातों को भी आप सुन लीजिए, क्या कहते हैं वह। ऐसा है कि हम लगभग एक महीना से इस दबंग डीलर कमेश्वर सिंह पर हम आवेदन जिला प्रशासन को दे चुके हैं। उस पर दोषी है, जिस पर कार्रवाई किया जाए। वह बार बार लगातार 6 महीना से राशन नहीं देता है। जाने पर लोगों को मार पीट कर भगा देता है, झूठा केस भी करता है। इसीलिए हम आमरण अनशन पर बैठे हैं कि जब तक उस डीलर पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम आमरण अनशन। तो आमरण अनशन के लिए अपने प्रशासनिक अधिकारियों के इस बात में? हाँ, मैंने आमरण अनशन के लिए वहाँ इस तरह से इसका धौंस चलता है या उस प्रशासन लोगों को लिपा पोती में लगा दिया है यह डीलर कि हमारा जो भी लेटर होता है वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। हमने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या और भी हमारे मैसेज से, व्हाट्सएप से हमने भेज दिया है, लेकिन ये इसकी इस तरह से पकड़ है कि वह अपने आप को दबंग साबित करना चाहता है और यहाँ के लोगों को राशन नहीं देना चाहता है और सब बेचना चाहता है। ये कब तक अनशन जारी रहेगा? जब तक उस दबंग डीलर पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक मैं इसी अनशन पर बैठा रहूंगा। क्या नाम अपना? संतोष कुमार।